ये जनता की डिमांड के ऊपर और जनता ने खुद ये साइकिल मोटरसाइकिल रैली निकाली है उज्मा बी के समर्थन में, जिसमें हमको भी आमंत्रित किया गया, हमारे नगर महामंत्री को भी आमंत्रित किया है। ये जनता ने निकाली है साइकिल रैली, हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली है रैली, और ये जन सैलाब जो उमड़ा है उज्मा बी के समर्थन में, इस चीज़ की ये तस्दीक करता है कि आने वाले 4 तारीख को एक साइड चुनाव होगा और इंशाल्लाह उन साइड ही चुनाव रह जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो बड़ा जनसैलाब निकाला? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि 4 तारीख को भारी संख्या में जाके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उज्मा बी को साइकिल निशान के ऊपर, जिसका निशान एक नंबर पे बना हुआ है, सभी लोग वोट डाल के उनको भारी मतों से विजय बना। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। पिछली बार 50 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को जबरदस्ती चुनाव हरा दिया था। यही वजह है कि आज पूरी समाजवादी पार्टी एक साथ खड़ी है। ये जो आज हुजूम आप देख रहे हैं, ये किसी का नहीं, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव फहीम भाई हैं और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष सोहराब भाई, मैं महामंत्री हूँ, तमाम समाजवादी पार्टी के आफ्ताब खान साहब हमारे साथ चल रहे, जो नगर उपाध्यक्ष है किशोरी लाल यादव जी हैं, यहाँ के ऊपर विमलेश शर्मा जो मुलायम युद्ध ब्रिगेड के नगर अध्यक्ष हैं, इस तरीके से अतीक भाई रफी भाई हमारे हैं, इनका अपना संगठन, तमाम संगठन यहाँ के ऊपर ये मौजूद हैं। यही लोगों ने अपना एक कार्यक्रम पर अनुमति ली थी, इन्हीं लोगों का निजी कार्यक्रम है, समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम है। आज समाजवादी पार्टी ने खोल दिया है कि 13,000 वोट विधानसभा में दिए थे, 13,000 वोट हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है हम ये इस बार देंगे यहाँ के। चुनाव कराएगा बिल्कुल कराएगा। हमको हमको अपने डीएम और एसडीएम जो जिनकी कार्यशैली देख करके हमको 100% है कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा। कितना भी योगी जी आए थे, डीएम से कह भी गए हैं कि खीरी चाहिए, जिस दिन से उन्होंने कहा खीरी लखीमपुर चाहिए, उस दिन से खीरी के समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम इतने ज़्यादा वोटों से जिताएंगे कि बेईमानी करने के बाद भी नहीं। लेकिन डीएम साहब और एसडीएम साहब, ये पूरा यकीन है कि इतने निष्पक्ष चुनाव कराएंगे कि आप भी लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी देखेंगे कि एक एक बात सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लगभग लोग कह रहे हैं 5,000 वोट पा रहे हैं, हम 5,000 वोटों से जीत रहे हैं इस वक्त। बहुत अच्छा रहा है और आप देख रहे हैं पीछे भीड़ देख रहे हैं काफ़ी है, और लोग जो बहुत से चुनावी मुद्दे लेके आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी, समाजवादी से उनको टिकट नहीं मिला है तो बता रहे समाजवादी पार्टी के उनकी बुराइयां गिनने, अभी उनको टिकट मिल जाता है तो उनके लिए समाजवादी पार्टी, उनके लिए कहना चाह रहे हैं अगर समाजवादी पार्टी टिकट लेने आए हैं, अगर नहीं मिला है पार्टी जिसको लड़ा रही है उसको भरपूर मौत से लड़ाए। Yeah.